भाइयों और बहनों, देश के साधनों और संसाधनों में हमारे युवा साथियों को अवसरों की समानता मिले, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में सबको भागीदारी मिले, इसके लिए हमने अनेक बड़े कदम उठाए हैं। दो फैसले हैं जो भाजपा की और कांग्रेस की नीति और नियत को साफ साफ उजागर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोग लंबे अरसे से आरक्षण की मांग कर रहे थे, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने ही हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और राज्य सरकार की सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों को 3% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसी तरह पहाड़ी लोगों के लिए भी 3% का आरक्षण दिया गया। और दूसरा फैसला भी आरक्षण से जुड़ा है। ये मांग भी दशकों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति आड़े आती थी। वो फैसला भी हमने किया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण की मांग देश में दशकों से हो रही थी, लेकिन किसी में संविधान संशोधन की हिम्मत नहीं थी। हमने इच्छा शक्ति दिखाई और गरीबों के लिए 10% आरक्षण आज लागू हो चुका है। यही सबका साथ सबका विकास का हमारा मंत्र है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं।